सो आप लोगों को ये चीज़ें तो पता ही होंगी ना कि दो तरह की वीडियोस जो हैं वो बहुत जल्दी से वायरल होती हैं, एक वो जो बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं और एक वो जो बहुत गंदी वीडियोस होती हैं। लेकिन जो बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं उनको वायरल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो गंदी वीडियो होती है ना वो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है होती है ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर उषा। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। तो दोस्तों आज मैं फिर लेके आई हूँ एक रिएक्शन वीडियो, वो भी साइक्लोन की दुनिया पे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और अभी इससे पहले मैंने अपना एक व्लॉग डाला था, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे व्लॉग्स देखने में तो प्लीज़ आप लोग मेरा व्लॉग भी जाके देखिएगा। और चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है रिएक्शन वीडियो साइक्लोन की दुनिया पे। और साइक्लोन की दुनिया पे ये बैक टू बैक रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं मैं बता देती हूँ, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि ये चाहती हैं कि हम इनके ऊपर वीडियोस बनाएं। ये यही चाहती हैं कि जितने भी यूट्यूब में जितने भी यूट्यूबर हैं सब इनके लिए वीडियोज़ बनाएँ, ठीक है। तो हमने कहा कि जब ये चाहती हैं ऐसा है तो भाई क्यों ना बैक टू बैक रिएक्शन निकाला जाए, है ना। तो अब मैं बता देती हूँ कि क्यों ये चाहती हैं, ठीक है। पहली बात, अभी कुछ दिन, अभी दो तीन दिन से YouTube पे क्या चल रहा है कि इनकी साइक्लोन जी की जो चैटिंग हुई है किसी इंसान के साथ, वो चैटिंग वायरल हुई, ठीक है। जब वो चैटिंग वायरल होगी बहुत अच्छे से, वायरल की गई है, हुई नहीं है, वो की गई है, वो सारी जो चैटिंग थी वो एक प्लान था, उसको एक प्लान के तरीके से उसको एक उसकी जो प्लान के साथ उसकी स्क्रिप्ट बनाई गई थी, और किसी और बंदे का नाम ले के वो वीडियो और वो चैटिंग सिर्फ उन रिएक्शन चैनल्स पे गए थे जो इनके अगेंस्ट रिएक्शन देते हैं, उन यूट्यूबर्स पे गए थे जो इनके लिए वीडियोस बनाते हैं, इनके अगेंस्ट में वीडियोस बनाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे से उस चैटिंग को वायरल कर दिया, उस वीडियो को वायरल कर दिया, ताकि जो रिएक्शन देते हैं, जो इनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, जो इनसे हेट करते हैं, वो ताकि वो लोग इनके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें, क्योंकि ये चाहती हैं, इसलिए इन्होंने ये सारा स्यापा क्रिएट किया था। अब बात करते हैं कि अपनी ही वीडियो में ये चीज़ क्लियर की थी कि इनकी एक को यूट्यूबर फ्रेंड है जिसको टेक्निकल की नॉलेज है, जिसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से दूसरे किसी बंदे की आईडी को किसी और बंदे की आईडी बनाई जा सकती है, फेक आईडीज़ बनाई जाती हैं, किस तरीके से इस तरह से चैटिंग की जाती है। इन्होंने देखो अपनी वीडियो में ही बोला है, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो अगर वो इंसान इनको इतना बता सकता है कि भाई इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो आप खुद सोच सकते हो इस चीज़ में भाई किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ इनका ही हाथ था उस सब चैटिंग में। और दूसरी बात, क्यों वो चैटिंग इनके अगेंस्ट में क्यों बोल रही हूँ कि इन सब चीज़ों में इनका ही हाथ था, मैं बताती हूँ। इसलिए पहले उन्होंने कहा कि किसी और बंदे ने मेरी आईडी को मतलब फेक आईडी बनाई है, और फेक आईडी से वो मुझे गंदे गंदे मैसेजेस कर रहा है, पहली पॉइंट को पकड़ना। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि मैं पुलिस स्टेशन में बैठी थी और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने मुझे कहा कि हाँ हाँ ठीक है इसको बुलाओ। तो आप ये सोचो कि जितनी वो चैटिंग जो वायरल की गई हैं, जो भेजी गई हैं लोगों में, उस चैटिंग अगर ये कर रहे थे तो वो दिन की बात हो रही है, सॉरी वो रात की चैटिंग है, और इनकी और ये पुलिस के पास तो दिन में गई होंगी ना। तो आप सोचो कि सब बातें ये घुमा फिरा के बोल रही हैं, और इंसान झूठ पे झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ को छुपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। पहले इन्होंने बोला किसी और ने मेरी डुप्लीकेट आईडी फेक आईडी बनाई और मुझे गंदे गंदे मैसेज कर रहा है, मुझे वायरल कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर उन्होंने बोला कि पुलिस वाले ने मुझे बोला कि हाँ भाई घर आ जाओ, उनको बोलो कि घर आ जाओ, तो मैंने उसको बोला कि हाँ मेरे घर आ जाओ। तो आप खुद सोचो कौन सी वाली बात माने, पुलिस ने इनको बोला था कि तुम उनको घर पे बुलाओ, या फिर ये वाली बात माने कि भाई कोई बंदा फेक आईडी से चैट कर रहा है। तो सारी चैटिंग वेटिंग आप खुद समझो, सब चीज़ें आप खुद के सामने हैं। तो किसी के लिए यूट्यूब पर इतना तमाशा क्रिएट हो रहा है, और वो इंसान सावन की मेहंदी लगा रहे हैं और सावन के झूले खा रहे हैं, और यहाँ पे दे दिया रिएक्शन चैनल वालों को, यूट्यूबर्स को अपने नोट्स की, भाई तुम काम करो और भाई मैं तो एंजॉय करूँगी सावन और तीज को। तो खुद लगी पड़ी हैं तीज एंजॉय करने में, और लोगों को भैया बेब को बना दिया अच्छे से हैं। तो ये अब मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि दो तरह की वीडियोज़ वायरल होती हैं, एक वो जो बहुत अच्छी होती हैं और एक वो जो बहुत गंदी होती है, लेकिन बहुत अच्छी को टाइम लगता है, बहुत गंदी को टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी से वायरल हो जाती है। तो वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि आपने देखा होगा कि YouTube पे मैक्सिमम इनके लिए जो वीडियोस बने हैं वो सिर्फ नफरत के वीडियोस बने हैं, राइट।
नफ़रत वाले ही वीडियोस बनाए गए हैं, क्योंकि इन्होंने काम ही इतने अच्छे अच्छे किए। बीच में जब अभी सारे लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे, इनके सपोर्टर, इनके हेटर सब इनको, जब इवन इनके सपोर्टर तक जब इनको कमेंट में उल्टा सीधा लिखने लग गए थे, तो ये थोड़ी सी डर गई थी। तो इन्होंने क्या किया था अपने आप को फेमस करने के लिए, ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को पकड़ के उनकी वीडियो को अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करती थी, ताकि वो इनके पॉजिटिव में वीडियो बनाएं, क्योंकि बीच में बहुत नेगेटिव हो गई थी वीडियोज़ इनके लिए। तो इन्होंने सोचा कि थोड़े जो यूट्यूबर हैं उनको पकड़ पकड़ के उनकी कम्युनिटी में उनकी वीडियोस अपलोड करी थी, ताकि लोग इनको समझे कि वाह दीदी आप तो ग्रेट हो, आप तो महान हो, आप तो इनको सपोर्ट कर रही हो, आप तो उनको सपोर्ट कर रही हो। तो भाई साहब वो फ्री में सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो इसलिए सपोर्ट कर रही थी ताकि लोग उसके लिए पॉजिटिव वीडियो बना सके। ठीक है, इसने एक दो यूट्यूबर्स को भी बोला था कि मैं तुम्हारी वीडियो को वो कर रही हूँ, तुम मेरे लिए पॉजिटिव वीडियो बनाओ। तो सोचो कि ये इंसान कितनी अच्छी हो सकती है, जबकि इसको अपने सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए सामने वाले यूट्यूबर को ये चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके लिए पॉजिटिव वीडियो बनी है, लेकिन वो पॉजिटिव वीडियो क्यों बनी है, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं या हम उनको लाइक करते हैं तो हम यूट्यूबर में वीडियो बना देते हैं। लेकिन इनको देखो इनकी कंडीशन क्या हो गई, इनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि इनको लोगों से कहना पड़ रहा है कि भाई मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी हो गई थी। और ये बोलती हैं कि मुझे ढल्ले का फ़र्क नहीं पड़ता है, इतनी इनकी इज्जत की ऐसी तैसी होगी, क्योंकि करवाई इन्होंने खुद से ही थी, सब चीज़ें इन्होंने खुद ही किया था, इनको ढल्ले का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई साहब ढल्ले का फ़र्क सिर्फ उसी इंसान को पड़ता है जिनकी इज्जत होती है। ठीक है, जिनकी इज्जत नहीं होती ना ढल्ले जितनी भी, तो ढल्ले का फ़र्क उनको पड़ता भी नहीं है। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैंने कंप्लेन करी, तो मैंने ये करा था, मैंने वो करा। अगर कंप्लेन की थी, ठीक है, पुलिस स्टेशन गई थी, तो भाई देखो जो एक यूट्यूबर होता है ना, उसको मतलब उसको एक ना आदत सी बन जाती है, वो कहीं पे भी जाएगा ना वो वीडियो बनाएगा ही बनाएगा। अब मैं बता देती हूँ इनकी आदत का, इनका क्या है, ये अगर बाहर गई हैं और बाहर अगर इनको वॉशरूम जाना है ना, इनकी एक वीडियो मैं बता देती हूँ, एक वीडियो में इनको डॉक्टर के पास जाना था, डॉक्टर के पास गए, वहाँ से इनको वॉशरूम जाना था, तो इनको वॉशरूम नहीं मिल रहा था, फिर इनको वहीं हॉस्पिटल या क्लिनिक क्या था जो भी था वहाँ पे इनको एक वॉशरूम मिला, तो इन्होंने वॉशरूम के अंदर तक की वीडियो भी कैप्चर की थी। तो सोचो जो इंसान वॉशरूम के अंदर की वीडियो कैप्चर कर सकता है, तो क्या वो पुलिस स्टेशन की वीडियो कैप्चर नहीं कर सकता होगा, सोचने वाली बात है। और ये गई भी अपने यूट्यूब के मुद्दे को लेके थी, तो क्या यूट्यूब की वीडियो नहीं करेंगी, मतलब सोचो भाई पुलिस मतलब सबको बेवकूफ़ बना रही है, ये सबको ही बना रही है बेवकूफ़। लेकिन ये ड्रामा भी बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना कि झूठ के पैर नहीं होते और सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है, तो बस इनका भी वही हाल होने वाला है। इन्होंने जो ये YT पे इतना रायता फैला रखा है ना, सच में इनको वो समेटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो गाइज़ मैं अपनी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी कुछ भी राय है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो गाइज़ चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।